बच्चन पांडे का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बताने वाला हूं। इससे पहले कि पहले दिन का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बताओ, आप सभी को ए वेरी वेरी हैप्पी होली, और होली आप सभी को मुबारक हो। मेरे देश विदेश से जो देखने वाले हैं मेरा चैनल, उन सबको ए हैप्पी 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 होली, और आप एंजॉय करो, हम लोग थिएटर में एंजॉय करते हैं। एनीवेज, यहाँ पे फर्स्ट डे का प्रेडिक्शन की बात करें तो सीधे तौर पे तो ये 10 करोड़ के ऊपर ही आने वाला है, डबल डिजिट में कलेक्शंस आने वाला है। एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हुई है कल, स्पेशली दोपहर के बाद से। और यहाँ पे ये फिल्म का जो आपको पता ही है, एक कश्मीर फाइल्स नाम की एक बड़ी फिल्म के साथ, नॉट बड़ी फिल्म छोटी ही है, लेकिन रिस्पांस पब्लिक का बड़ा है, इसलिए फिल्म को बड़ा बना दिया गया है और अच्छी खासी चल रही वो फिल्म। और उसके सामने यहाँ पर देखा जाए तो दिक्कत जरूर है बच्चन पांडे को, और स्क्रीन्स भी अभी तक बच्चन पांडे को कम ही मिली है द कश्मीरी फाइल से, 19-20 का फर्क है बस, लेकिन है। और यहाँ पर बच्चन पांडे का जो प्रेडिक्शन है मेरा, वो 12 से 14 करोड़ के रेंज में है। मैं चाहता हूं कि मैं प्रेडिक्शन गलत है और ज्यादा कलेक्शन हो, लेकिन फिलहाल की सिचुएशंस को हिसाब से देखते हुए दिस फिल्म हैज ए स्ट्रांग चांस टू कलेक्ट अराउंड 12 to 14 करोड़। और अगर ये इतना भी करती है फर्स्ट डे और कश्मीर फाइल्स के सामने, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। वो कहते हैं ना, तूफान से भिड़ते नहीं है, तूफान से बच के भागते। तो फिलहाल द कश्मीर फाइल्स एक ऐसा तूफान है जिसके सामने चाहे बच्चन पांडे हो या चाहे RRR हो, उससे दिक्कत होनी ही होनी है। और ये बात बहुत प्रैक्टिकल है, और इसको लेकर मेरे मन में ऐसे कोई रोष है या किसी फिल्म के लिए कुछ ऐसा है नहीं। आपको पता ही है मैं सब फिल्म को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, जो सिचुएशन प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बता दिया। आपका क्या प्रेडिक्शन रेंज है बच्चन पांडे का पहले दिन का, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना कलेक्शन होगा फर्स्ट डे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना भूलेगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, बॉलीवुड क्रेजीज मेरा हैंडल है।